पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे आज हम। तो फ्लावर है, फ्लावर हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स में जो एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो होता है फ्लावर। इट मीन्स फॉर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ टिपिकल फ्लावर हैज़ फोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स अरेंज्ड सक्सेसिवली ऑन अ सोलेन एंड ऑफ द स्टॉक्ड और पेडिकल, ठीक है। उसे बोलते हैं थैलस या रिसेप्टिकल्स बोल सकते हैं। चार होते हैं, चार सोलेन पार्ट्स पे अटैच्ड होता है, उसे थैलस या रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम होता है। अब जो कैलिक्स और कोरोला होता है वो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, प्रोटेक्शन वगैरह में हेल्प करते हैं। बाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एंड्रोसियम मेल के लिए होता है, गाइनोसियम फीमेल के लिए होता है। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली एंड लिली द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड आर टर्म्ड एज पेरेंट। जो कैलिक्स और कोरोला होते हैं लिली प्लांट्स में, लिली प्लांट्स का जो फ्लावर होता है उसमें कैलिक्स और कोरोला अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, तो उसे बोलते हैं पेरिएंथ। अ फ्लावर ऑफ बोथ एंड्रोसियम गाइनोसियम इट इज़ बाइसेक्सुअल। जिस फ्लावर्स में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं, और जिसमें स्टेमन्स या फिर कार्पल्स प्रेजेंट हो उसे यूनिसेक्सुअल कहते हैं। अब देखेंगे फ्लावर्स की सिमेट्री क्या क्या होती है। देखो फ्लावर्स की दो सिमेट्री होती है, एक तो एक्टिनोमॉर्फिक, उसे रेडियल सिमेट्री कहते हैं, दूसरा होता है बायलेटरल सिमेट्री, उसे जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। व्हेन फ्लावर्स कैन डिवाइड टू इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इट इज सेड टू बी एक्टिनोमॉर्फिक या फिर रेडियल सिमेट्री कह सकते हैं। ऐसा प्लेन, ऐसी प्लेन से पास करें रेडियली कि हम फ्लावर को कट करें तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाए किसी भी से, जैसे मस्टर्ड हो गया, धतूरा हो गया, चिली हो गया, ये इनके एग्जांपल है, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ठीक है। ये इनके एग्जांपल है एक्टिनोमॉर्फिक के, क्या एग्जांपल है, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। अब देखते हैं वैन डिवाइड इंटू टू सिमिलर हाफ्स ओनली इन वन पर्टिकुलर प्लेन, जब फ्लावर्स को कट करें तो हमारा सिर्फ एक ही प्लेन कट करें दो इक्वल पार्ट्स में, तो उसको जाइगोमॉर्फिक कहते हैं, ठीक है। जैसे पी, गुलमोहर, बीन्स, केशिया, ठीक है, केशिया, गुलमोहर, पी और बीन्स, ये चार एग्जाम्पल हैं जाइगोमॉर्फिक के। अब देखो लास्ट, जो फ्लावर्स में सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होती है, अ फ्लावर इज अ एसिमेट्रिक और इरेगुलर, इट कैन नॉट बी डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एनी वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, इस कैना बोलते हैं उसको, कैना। एसिमेट्रिक का एग्जांपल है कैना, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब आ जाओ, अब देखते हैं, अ फ्लावर में भी ट्राइमेरस, पेंटामेरस और फिर टेट्रामेरस, ये तीन टाइप्स के फ्लावर हो सकते हैं। वेन फ्लोरल अपेंडिज आर इन मल्टीपल्स ऑफ 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली, फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स रिड्यूस्ड लीवर्स एट द बेस ऑफ द पेडिकल आर कॉल्ड ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स किसको बोल देंगे, यहाँ पे जो लीव बेस हो वो पेडिकल से अटैच्ड ब्रैक्ट्स हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उसे ब्रैक्ट बोलते हैं, और दोज विदाउट ब्रैक्ट आर कॉल्ड ई ब्रैक्ट्स, उसे क्या बोलते हैं, ई ब्रैक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये अभी हम आगे देखेंगे, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस, ठीक है। ये रहा हमारा, बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम इन द रिस्पेक्ट ऑफ ओवरी ऑन थैलस, जब ओवरी अटैच होती है ना थैलस से,
तो उसमें देखते हैं हम कैलेक्स, कोरला, रेंड्रोसियम कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं। देखो, द फ्लावर्स आर डिस्क्राइब्ड एज हाइपोगाइनस फ्लावर्स, पेरीगाइनस फ्लावर्स, एपिगाइनस फ्लावर्स। देखो, अगर ओवरी टॉप पे है तो हाइपोगाइनस, ठीक है। जब देखो ओवरी फ्लावर्स, जब फ्लावर्स में जो ओवरी होती है वो हमारी सुपीरियर मानी जाएगी, ठीक है। जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, उसे हाइपोगाइनस कहते हैं। चाइना मस्टर्ड ब्रिंजल में कैसी मिलेगी? सुपीरियर ओविया हाइपोगाइनस, जिसमें कि ओवरी सबसे ऊपर अटैच होगी, कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम नीचे होंगे, ठीक है। अभी डायग्राम दिखा देंगे। इफ़ द गाइनोसियम इज सिचुएटेड एट द सेंटर एंड द अदर पार्ट्स फ्लावर्स आर लोकेटेड ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। अब देखो, ओवरी जहाँ पे ओवरी के सराउंडेड कैलेक्स, कोरला, एंड्रोसियम अटैच हो थैलस पे, तो उसे बोलेंगे पेरीगाइनस। पेरी मतलब हाफ, ठीक है, गाइनस मतलब ओवरी, तो हाफ इन्फीरियर होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हाफ इन्फीरियर। द ओवरी इज सेड टू बी हाफ इन्फीरियर, और उस कंडीशन के बोलते हैं पेरीगाइनस कंडीशन। इसका एग्जाम्पल है पाल्म, रोज, पीच। इसका सिंपल सा एग्जाम ट्रिक है, टू पी आर, ठीक है, टू पी आर इसका एग्जाम्पल है। अब देखें, इसका भी एग्जाम्पल है हाइपोगाइनस का, इसका भी एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जो हाइपोगाइनस है, इसका एग्जाम्पल है हमारा क्या था, मस्टर्ड, चाइना रोज और पेंजल। तो इसका एग्जाम्पल है पी एम सी, बी एम सी याद कर लो, तो वो हो गया हाइपोगाइनस का। बी फॉर ब्रेंजल, एम फॉर मस्टर्ड, सी फॉर चाइना रोज, ठीक है। और इसका है टू पी आर, पाल्म, पीच और रोज, ठीक है, इसका ही एग्जाम है, पाल्म, पीच, रोज, टू पी आर। अब देखते हैं हम पेरीगाइनस फ्लावर्स। द मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोइंग्स अपवर्ड इनक्लोजिंग द ओवरी कम्प्लीटली एंड सेटिंग फ्यूज्ड विद इट, द अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर अराइजेस द ओवरी, हेंस द ओवरी इज सेड टू बी इन्फीरियर, एंड द फ्लावर्स ऑफ गुआवा एंड कोकुम्बर आर सेड टू बी इन्फीरियर, और सनफ्लावर का जो रे फ्लोरेट्स का अरेंजमेंट होता है उसमें हमें इन्फीरियर ओवरी देखने को मिलती है, उसे बोलते हैं एपिगाइनस। इसमें तो याद ही रख लेना, गुआवा, कुकुम्बर, सनफ्लावर, ठीक है। इसका एग्जाम, इसका सीधे ट्रिक है सी जी एस, सी जी एस, सी जी एस सीधे बी एम सी, टू पी आर, सी जी एस, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम वो देखेंगे कि डायग्राम हाइपोगाइनस कौन सा है, पेरीगाइनस कौन सा है, एपिगाइनस क्या है। अब देखो, ये फ्लावर है, फ्लावर दिखा, ये कलर चेंज करके दिखाते हैं हम तुम्हें, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है हमारा। अब इसमें देखो ओवरी है वो ऊपर है, और कैलेक्स, कोरला, एंड्रोसियम सब नीचे हैं। देखो ये नीचे से ग्रो कर रहे हैं, ये हमारा हो गया हाइपोगाइनस। अब ओवरी देखो, ओवरी देखो यहाँ है, ठीक है, ओवरी यहाँ पे है, और ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, कैलेक्स, कोरला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तो ये भी हाइपोगाइनस की कंडीशन, ये हाइपोगाइनस की कंडीशन नहीं मानी जाएगी, ये पेरीगाइनस की कंडीशन मानी जाएगी। मतलब देखो थैलेमस से ही तो अटैच है, थैलेमस से अटैच है, बट ओवरी इनक्लोज नहीं है, तो फिर ये हमारी क्या मानी जाएगी, पेरीगाइनस कंडीशन। ये भी हमारी क्या मानी जाएगी, पेरीगाइनस कंडीशन। पर ये देखो जो थैलस है हमारा उससे इनक्लोज हो गई ओवरी, और जो पेटल्स, कैलेक्स और कोरोला, एंडोसियम हमारे क्या हैं, ऊपर ग्रो कर रहे हैं थैलेमस के, तो ये हो गई एपिगाइनस।
तो यही है हमारा फ्लावर्स का पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और भी एनसीईआरटी इन्फॉर्मेशन के लिए।